सेकेंड जून को हंगरी के कैपिटल बुडापेस्ट के मेयर ने कुछ अजीब किया। उन्होंने एक रोड का नाम बदल दिया और उसको बुलाया दलाई लामा स्ट्रीट, क्योंकि वो मेयर हंगरी के प्रेसिडेंट के निर्णय के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके हिसाब से फूडान यूनिवर्सिटी, जो एक चाइनीज यूनिवर्सिटी है, वो अपना कैंपस बना देगी बुडापेस्ट में। इसलिए उन रोड पर जहाँ ये यूनिवर्सिटी सेटअप होनी थी, उन्होंने इन चारों का नाम बदल दिया। अभी कई वेस्टर्न देश चाइना से भिड़ रहे हैं दलाई लामा के जरिए। जैसे 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट को पास किया था, जब यूएस चाइना ट्रेड वॉर अपनी ऊंचाई में थी। इस एक्ट ने सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज किया था, जो टिबेट की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है धर्मशाला में, और कहा था कि ये गवर्नमेंट टिबेटन लोगों की असली रिप्रेजेंटेटिव है। पर इस एक्ट में एक सेंटेंस है जो बहुत ही दिलचस्प है, और ये आपको मिल सकता है इस एक्ट के पेज 12 में, जहां बताया गया कि चाइनीज गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती दलाई लामा के सक्सेसर को रिकॉग्नाइज करने के प्रोसेस में। पर चाइना की पॉलिसी इस मामले में बिल्कुल ही अलग है। वो कहते हैं कि जो भी नेक्स्ट दलाई लामा बनेगा, उनको चाइनीज लॉ का पालन करना ही पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, नेक्स्ट दलाई लामा वही बन पाएंगे जिनको अप्रूवल मिलेगा चाइनीज गवर्नमेंट से, और ये इंडिया के लिए भी मायने रखती है। इस बात की सीरियसनेस का हम अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज से कि इंडिया के सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि नेक्स्ट दलाई लामा किसको बनना चाहिए। अब नेक्स्ट दलाई लामा यानी कि 15 दलाई लामा कौन बनेगा, ये बहुत ही जरूरी है टिबेटन्स के भविष्य के लिए। वो 60 लाख टिबेटन्स जो चाइना में रह रहे हैं, और करीब 1.5 लाख टिबेटन्स जो 40 देशों में है इंक्लूडिंग इंडिया। पर ये बस उनकी जिंदगी के लिए मायने नहीं बल्कि उनके कल्चर और आइडेंटिटी के लिए भी मायने रखता है। Tibet, a legendary kingdom of peace and tranquility. Tibet was occupied by the armies of communist China. Under communist bombardment, the Dalai Lama fled to India. Chinese control Tibet by weapon, but Tibetan spirit or mental level, they never control. A land with a simple economy, with a limited trade with India and China, enough to satisfy the wants of a sturdy, independent people. 7th सेंचुरी में सोंगसेन गैम्पो के शासनकाल के दौरान तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। इन्हें तिब्बत का पहला ट्रू यूनिफायर माना जाता है, जब इन्होंने हान चाइनीज प्रिंसेस से शादी की। इनकी शादी को पहला फॉर्मल रिलेशन माना जाता है हान लोग, जो प्रमुख एथनिसिटी है चाइना में, और तिब्बतन लोगों के बीच। अब जो तिब्बतन बुद्धिज्म है, वो 5 अलग अलग स्कूल्स में, संप्रदाय में बटा हुआ है। इन 5ों में गौतम बुद्धा की टीचिंग्स ही हैं, मगर थोड़े थोड़े वेरिएशंस के साथ। बहुत सालों तक तिब्बत में साक्या स्कूल प्रमुख रहा, मगर 13th सेंचुरी के बाद इंटरनल टेंशंस की वजह से डिक्लाइन होने लग गया, और उसके बाद इन 5ों में सबसे नया स्कूल गेलुग स्कूल प्रमुख होने लग गए तिब्बत में। इस स्कूल में दलाई लामा एक प्रमुख फिगर है, जिन्हें तिब्बत में एक स्पिरिचुअल और एक पॉलिटिकल लीडर की तरह देखा जाता है, स्पेशली 5वें दलाई लामा के समय से। अगर हम 16th सेंचुरी के चाइना और तिब्बत के रिलेशंस को देखें, तो वो ज़्यादातर डिप्लोमेटिक थे और चाइना की तरफ से पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था। मगर 5वें दलाई लामा के बाद से इनका इतिहास थोड़ा ट्रिकी है। फॉर एग्जाम्पल, दलाई लामा के संबंध चाइना से भी थे, ये दोनों मानते हैं, मगर ये संबंध कैसे जुड़े थे, इसमें दोनों की अलग मान्यता है। दोनों साइड ये मानती है कि चाइना के एम्परर सुन ज़ी और दलाई लामा एक दूसरे से मिले, मगर तिब्बतन अकाउंट्स कहते हैं कि एम्परर सुन ज़ी तिब्बत आए दलाई लामा से मिलने। अब अगर ये सच है, तो मतलब तिब्बतन लोग और उनका राज्य एक बराबर दर्जा है चाइनीज राज्य के सामने। मगर चाइनीज अकाउंट्स कहते हैं कि एम्परर शिकार पे गए थे, और तब उनकी मुलाकात यूं ही कोइंसिडेंटली दलाई लामा से हो गई। अब दोनों तिब्बत और चाइनीज अकाउंट्स ये मानते हैं कि दलाई लामा को पारंपरिक कोटू, जो चाइनीज कल्चर में सिंबलाइज करता है पूरी तरह से समर्पित करना, जिसमें आपको घुटने टेक कर अपना सर भी जमीन पर टेकना होता है। दलाई लामा को एम्परर के सामने ये करने की जरूरत नहीं थी, मगर दलाई लामा को एम्परर के सामने घुटना फिर भी टेकना पड़ता। और चाइनीज इस घुटने टेकने को आर्गुमेंट की तरह यूज करते हैं कि तिब्बत पे ऐतिहासिक रूप से चाइना का अधिकार है। 18th सेंचुरी तक आते आते तिब्बत में चाइनीज इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया, जब मंगोल्स तिब्बत के कैपिटल लासा पे हमला कर रहे थे और चाइना की क्विंग डायनेस्टी ने आर्मी भेजी लासा और 7th दलाई लामा को बचाने के लिए। इस जीत के बाद अब चाइनीज आर्मी तिब्बत में आराम से आ जा सकती थी। चाइनीज ने तिब्बत में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी किए,
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना एक ऑफिशियल जिसे अम्बन कहा जाता है, इनको परमानेंटली तिब्बत में प्लेस कर दिया, जो पहले तो डिप्लोमेट का दर्जा था, मगर धीरे धीरे उनकी ताकतें बढ़ाई गई, स्पेशली जब चाइनीज ने तिब्बत की मदद की नेपाल की गोरखा आर्मी को हराने में। कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि ये जो अम्बन का दर्जा है ये दलाई लामा के बराबर है, और अम्बन फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक और ट्रेड से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते थे, और चाइनीज के हिसाब से ये वो समय था जब तिब्बत चाइना का एक हिस्सा बन गया। अब इस समय तक चाइना एक अकेली एक्सटर्नल पावर थी जो तिब्बत में इंटरेस्टेड थी, पर ये चेंज हुआ 19वीं और 20वीं सदी में जब द ग्रेट गेम स्टार्ट हुई अंग्रेज और रशियंस के बीच, जब दोनों ही अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे एशिया में, और इसीलिए अर्ली 20th सेंचुरी में अंग्रेजों ने तिब्बत को इन्वेड कर दिया और चाइना ने इस रीजन पर कंट्रोल वापस ले लिया, और एक पैक्ट साइन हुआ 18th अगस्त 1907 को, जब दोनों ही अंग्रेज और रशियंस ने चाइनीज सुजरेंटी रिकॉग्नाइज करी तिब्बत के ऊपर, और उन्होंने कहा कि वो तिब्बत के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब जो सुजरेंटी का टर्म है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये एक डिप्लोमेटिक टर्म है जिसका यूजुअली ये मतलब है कि एक छोटी स्टेट के पास ऑटोनॉमी जरूर है अपने लोकल अफेयर्स पे, पर कई इश्यूज के ऊपर वो डिपेंडेंट है एक ज्यादा पावरफुल स्टेट पर। पर ये सिचुएशन जल्दी चेंज हो गई क्योंकि चाइनीज रेवोल्यूशन की वजह से चिंग डायनेस्टी खत्म हो गई और जो चाइनीज आमबांस यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको तिब्बत छोड़ना पड़ा। इसी वजह से 1930 में पहली बार कई सदियों में तिब्बत में कोई भी चाइनीज नहीं थे, और 13 दलाई लामा ने एक बहुत अच्छा मौका माना इसको और तिब्बत की इंडिपेंडेंस अनाउंस करी। पर अंग्रेजों के कुछ अलग प्लान्स थे, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो रहा था तिब्बत में, अंग्रेजों ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया और उन्होंने शिमला कन्वेंशन में एक अग्रीमेंट साइन किया तिब्बत के साथ, जिससे तिब्बत चाइनीज की नहीं बल्कि अंग्रेजों की प्रोटेक्टरेट हो गई, जो सिमिलर है सुजरेंटी के कॉन्सेप्ट से, जहाँ एक बड़ी स्टेट है और जहाँ एक छोटी स्टेट है और उनके बीच एक अग्रीमेंट है। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस भी कम होने लगा और तिब्बत अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में और बात करने लग गया। ये इंडिपेंडेंस की बातें और बढ़ने लग गई जब चाइना में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो रहा था और वो पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड थे, पर ये इंडिपेंडेंस जल्दी खत्म होने वाली थी। कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत पर कंट्रोल तीन कारणों की वजह से करना चाहती थी। पहला कि वो ये मानते थे कि तिब्बत कभी इंडिपेंडेंट था ही नहीं, वो हर दम चाइना का एक पार्ट था। फिर उनके स्ट्रेटेजिक रीजंस भी थे, तिब्बत एक बफर जोन की तरह एक्ट करता था चाइना और इंडिया के बीच, जिसकी वजह से चाइना प्रोटेक्टेड था। तीसरा था इकोनॉमिक, कई नदियां जिस पर चाइना डिपेंडेंट था वो तिब्बत से आती थी। इसके अलावा तिब्बत में कई मिनरल डिपॉजिट्स भी थे, as well as gold, coal and uranium. पर चाइनीज कम्युनिस्ट जानते थे कि वो ज्यादा कंट्रोल नहीं आजमा सकते तिब्बत पर जब तक दलाई लामा उनकी साइड पर नहीं आ जाते, क्योंकि दलाई लामा की बहुत ज्यादा पकड़ थी लोगों की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी पर। इसीलिए उन्होंने एक 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन किया दलाई लामा के साथ। इस अग्रीमेंट के तहत दलाई लामा तिब्बत के इंटरनल अफेयर्स कंट्रोल कर सकते थे, पर तिब्बत की सॉवरेंटी चाइना के हाथ में होगी। अब उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन तो कर लिया था, पर दलाई लामा ज्यादा खुश नहीं थे इस चीज के साथ। The communists' reign of terror, Tibetans took up arms. It was a cry for liberty. पर 1949 में सिचुएशन और बिगड़ गई। तिब्बत के लोगों ने कई प्रोटेस्ट स्टार्ट करी चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ, और चाइनीज सोल्जर्स ने वायलेंस के जरिए इन प्रोटेस्ट को दबा दिया और तिब्बत का कैपिटल लासा को कैप्चर कर लिया। They made the threatening moves against the Dalai Lama. The rebellion exploded full force. Lhasa under communist bombardment, the Dalai Lama fled to India. इसी वजह से दलाई लामा को इंडिया में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने गवर्नमेंट स्टार्ट करी धर्मशाला में। दलाई लामा की एस्केप के बाद चाइना ने अपना दबाव और बढ़ा दिया तिब्बत में, और उन्होंने कहा कि क्योंकि अब दलाई लामा छोड़कर चले गए हैं तिब्बत, उनकी अब कोई अथॉरिटी नहीं रही। चाइना ने कहा कि दलाई लामा एक भेड़िया है भेड़ के कपड़ों में, और वो एक शैतान है मनुष्य के भेष में। इसी समय दलाई लामा ने अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करी तिब्बतन लोगों के संघर्ष के बारे में, और इसके दौरान उन्होंने तिब्बत के बारे में ही नहीं बल्कि बुद्धिज्म के बारे में भी अवेयरनेस बढ़ाई। कई हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज उनसे मिलने आए, और अगर आप भी उनकी टीचिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है द बुक ऑफ जॉय,
जहाँ वो आर्च बिशप डेस्मंड टूटू के साथ एक कॉन्वर्सेशन शेयर करते हैं और बात करते हैं कि किसी को खुशी कैसे मिल सकती है ऐसे समय में जहाँ वो बहुत दुखी फील कर रहे हैं। इस ऑडियो बुक को आप कोकू FM ऐप पर सुन सकते हैं जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस ऐप में बहुत सारे ओरिजिनल पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स हैं डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में। उनका एनुअल प्लान है ₹399 का, जो एक फिजिकल बुक के दाम से भी कम है। और क्योंकि वो इस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप MOHAK20 कूपन कोड यूज करोगे, जिससे इस ऐप की एनुअल कॉस्ट ₹1 per day से भी कम हो जाती है। तो उसको जरूर चेकआउट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अपने वीडियो पर वापस आते हैं। टिबेट पर कंट्रोल लेने के बाद चाइना ने धीरे धीरे टिबेट का पूरा लैंडस्केप बदलने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने री एजुकेशन कैंप स्टार्ट करे जहाँ वो टिबेटन लोगों का कल्चर और उनके पॉलिटिकल ओपिनियंस बदल रहे थे। The monks have been ordered to undergo political re-education. It's hard to talk about this. We Tibetans are an ethnic group which is part of this country. It's a serious issue and it's hard to talk about it. और सैटेलाइट इमेजरी ने दिखाया कि ऐसे नए कैंप भी अभी बन रहे हैं टिबेट में। दूसरा कि उन्होंने एक पॉपुलेशन चेंज करने की कोशिश करी है हांस चाइनीज लोगों को सब्सिडीज देकर, जो मेन एथनिक ग्रुप है चाइना में, ताकि वो लोग टिबेट में सेटल हो जाए। इसके अलावा चाइना ने टिबेट के रिलीजियस फिगर्स पर कंट्रोल करने की भी कोशिश करी है। जैसे इस फोटो को देखिए, राइट पर है करंट दलाई लामा जबकि लेफ्ट पर है पंचन लामा, जो टिबेट में सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर होते हैं। पर 1964 में उनको जेल डाल दिया गया था क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रहे थे। उनके मरने के बाद दलाई लामा ने एक लड़के को नेक्स्ट पंचन लामा का दर्जा दिया, पर रिपोर्टली चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको किडनैप कर दिया और एक दूसरे पंचन लामा को अपॉइंट कर लिया, जिसको कई टिबेटन्स अभी रिकॉग्नाइज नहीं करते। और कई लोग मानते हैं कि चाइना सेम स्ट्रेटजी दलाई लामा के सक्सेसर के लिए भी यूज कर सकती है। In other news, the Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, has been to a hospital with chest infection. April 2019 को दलाई लामा को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था दिल्ली में एक चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से। अब ये बीमारी ज्यादा सीरियस नहीं थी, पर इसकी वजह से एक सवाल उठा था कि क्या होगा दलाई लामा की पोजीशन के साथ अगर उनकी बाय चांस मृत्यु हो जाती है। अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि दलाई लामा होता कौन है और उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है। बुद्धिस्ट बिलीव्स के हिसाब से दलाई लामा एक रिप्रेजेंटेटिव है बुद्धिस्ट गॉड अवलोकितेश्वर का। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म वापस हो सकता है, यानी कि वो रीबॉर्न हो सकते हैं। और अपने मरने से पहले वो कुछ क्लूज देते हैं नेक्स्ट दलाई लामा ढूंढने के लिए, और फिर जो सीनियर मंक्स है वो इन क्लूज को समझते हैं, नेक्स्ट दलाई लामा को ढूंढते हैं और फिर उनको ट्रेन करते हैं। ऐसे जब 13 दलाई लामा की मृत्यु हुई थी 1933 को, मंक्स ने कुछ अनयूजुअल फंगल ग्रोथ देखी थी उनके श्राइन में, जो नॉर्थ ईस्ट दिशा में पॉइंट कर रही थी। फिर इन क्लूज के जरिए वो 14 दलाई लामा को ढूंढने चले गए और इवेंचुअली उन्होंने एक 2 साल के लड़के को चूज किया। करंट दलाई लामा का मानना है कि उनके नेक्स्ट सक्सेसर भी सेम तरीके से ही चुने जाएंगे, पर इस प्रोसेस में टाइम लगता है। जैसे लास्ट दलाई लामा के लिए 4 साल लगे थे, हो सकता है कि 10 साल भी लग सकते हैं कुछ लोगों के हिसाब से। कई सालों से करंट दलाई लामा क्लूज दे रहे हैं अपने नेक्स्ट सक्सेसर के बारे में। जैसे एक बार उन्होंने कहा कि नेक्स्ट दलाई लामा महिला हो सकती है, पर उनको अट्रैक्टिव होना होगा इस चीज के लिए, जो पूरी तरह सेक्सिस्ट है, पर उसके बारे में हम चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। एक बार उन्होंने कहा कि उनको सपने आ रहे हैं कि वो 113 साल तक जिएंगे, और एक टाइम में तो उन्होंने ये भी कहा कि जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का वो भी खत्म हो सकता है उनके साथ, यानी कि उनके बाद कोई और दलाई लामा होगा ही नहीं। अब वो इन सारे क्लूज के बारे में क्लियर नहीं है, पर एक चीज के बारे में वो बिल्कुल क्लियर है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा उसके बारे में डिसीजन चाइना के बस में नहीं होगा, बल्कि नेक्स्ट दलाई लामा एक फ्री कंट्री में होगा जैसे इंडिया में। जबकि चाइना का मानना है कि नेक्स्ट दलाई लामा बस उनके लॉज के साथ ही डिसाइड हो सकता है, और इसके लिए वो यूज करते हैं एक गोल्डन अर्न सिस्टम जो 18th सेंचुरी में यूज किया गया था दलाई लामा को चूज करने के लिए, जो बेसिकली एक लॉटरी सिस्टम है जहाँ 3-4 लोगों के नाम लिखे होते हैं चिट्स में और एक चिट चूज होती है। अब आप में से शायद कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये इतना मायने क्यों रखता है कि नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा। ये मायने इसलिए रखता है कि जो भी नेक्स्ट दलाई लामा होगा उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा बुद्धिस्ट रीजन्स में और बुद्धिस्ट लोगों पर। इसीलिए चाइना टिबेटन बुद्धिज्म को यूज कर रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए बुद्धिस्ट डोमिनेटेड रीजन्स में,
और अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट दलाई लामा पर कंट्रोल चाइना का है, तो चाइना उन टिबेटन्स को भी कंट्रोल कर सकता है जो अभी अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसा राज्य जो चाइना कहता है उनकी टेरिटरी का भाग है। पर क्योंकि करण दलाई लामा इंडिया की टेरिटरी में है, इसीलिए इंडिया का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है टिबेटन्स पर। इसका उदाहरण हमने रीसेंट इंडिया चाइना टेंशन में भी देखा, जहाँ इंडिया ने टिबेटन सोल्जर्स की एक सीक्रेट बटालियन, जिसको कहा जाता है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, उसको यूज किया चाइना के खिलाफ। पर इस जियोपॉलिटिक्स के अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इन चीजों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों की जिंदगी पर, मेनली 60 लाख टिबेटन्स की जिंदगियों पर, जो अभी भी कई चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे इंडिया में कुछ लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है, पर उनमें से कई लोग नहीं लेते, क्योंकि कई लोग का ये मानना है कि अगर वो इंडियन सिटीजनशिप ले लेंगे तो जो फ्री टिबेट मूवमेंट का इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा, और इसी चीज की वजह से उनको जॉब्स और कॉलेज एडमिशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है इंडिया में। इंटरमीडिएट यहीं से किया, कॉलेज यहीं से हुआ है, मगर जॉब मतलब जैसे चाहते हैं, जैसे सैलरी हम चाहते हैं, तो उसके हिसाब से नहीं हो रहा है। कई लोगों को तो प्रॉपर्टी खरीदने में और लोन लेने में भी दिक्कत हो रही है। इसी वजह से हाल ही में कई टिबेटन्स इंडिया को छोड़ के दूसरे देश चले गए हैं। इन चैलेंजेस की वजह से ही कई यंग लोग उम्मीद छोड़ रहे हैं कि वो टिबेट वापस भी जा पाएंगे कभी, और ये उम्मीद अभी पूरी तरह निर्भर है दलाई लामा के भविष्य पर। क्योंकि क्या पता, जैसे अभी दो पंचन लामा है, भविष्य में शायद दो दलाई लामा भी हो, एक जिनको करण दलाई लामा ने अपॉइंट किया है और दूसरे जिनको चाइना ने अपॉइंट किया। अभी दलाई लामा का कमरा जो टिबेट में है वो खाली है, पर भविष्य में जरूरी नहीं है कि वो ऐसा रहे। पर मायने ये रखता है कि जो भी व्यक्ति जो इस कमरे में होगा चाहे भविष्य में, उस पर लोग विश्वास करेंगे या नहीं।